17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। वो खुद तो अपना जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन इस बार पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने जा रही है। ये सेवा पखवाड़ा किस तरीके का होगा और क्या कार्यक्रम इसमें होने हैं, मेरे साथ मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, किस तरीके से अब की बार प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? नहीं, जैसा आपने भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर को होता है। वो कभी इसको मनाते नहीं, पहले से नहीं मनाते वो। परंतु जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति का एक चरित्र बदला, उन्होंने कहा कि सत्ता ही सेवा का माध्यम है और स्वयं को भी उन्होंने प्रधान सेवक कहा, तो इन बातों को ध्यान में रख करके और उसी ढंग से सारे कार्यक्रम चलाए, पूरे देश के अंदर कार्यक्रम चलाए, गरीबों को केंद्र में रख करके कार्यक्रम चलाए। तो इन सब बातों को ध्यान में दिलाने के लिए और सेवा के भाव को पुष्ट करने के लिए कि राजनीति सेवा का साधन है, तो 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू करके हम एक पखवाड़ा मनाते हैं। ये 2-3 साल पहले शुरू हुआ है ये, और 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन इसको चलाते हैं। पहले दिन 17 सितंबर को रक्तदान के शिविर लगेंगे, युवा मोर्चे को उसकी खासतौर से जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद 18 तारीख को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगेंगे। उसके बाद अन्य कार्यक्रम, स्वच्छता का कार्यक्रम है, पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम है, अमृत सरोवर से संबंधित कार्यक्रम है, जल संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम है, टीकाकरण है, पोषण है, टीबी मुक्त भारत है, यानी ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम, विविधता में एकता है, यानी निरंतर कार्यक्रम चलेंगे। और हम लोग, जैसा मैंने कहा, एक पखवाड़े के अंदर सत्ता सेवा का माध्यम है, इस बात को स्थापित करने की कोशिश करेंगे और सरकार के कामों को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। जो युवा मोर्चा है उसको इस पूरे कार्यक्रम की कमान दी गई है, तो वो किस तरीके से पूरा संरचना है? पूरे कार्यक्रम की कमान नहीं दी गई है, कुछ कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं। अब रक्तदान शिविर की जिम्मेदारी खासतौर से युवा मोर्चे को दी गई है, क्योंकि वैसे भी एक आयु के पश्चात, 60 वर्ष की उम्र के पश्चात रक्तदान कर नहीं सकता व्यक्ति, तो युवाओं के लिए ये प्रेरक भी है और उचित भी है। ये उसको दी गई जिम्मेदारी, और भी कुछ जिम्मेदारियां उसको दी गई हैं, लेकिन विभिन्न जो संगठन के हमारे आयाम हैं वो किसी न किसी काम के साथ जुड़ करके इस सारे पखवाड़े के अंदर अपनी भूमिका निभाएंगे और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को जनता के सहयोग से सफल करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे साथ थे बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, और उन्होंने कहा कि आपकी बार बिल्कुल अलग ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने जा रही है बीजेपी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।